पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है, मैं हूं डिंपी कालरा। तो आज 8 अंकों की बढ़त के साथ एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 10,080 का लेवल वापस आ गया है। तो उम्मीद तो है कि शायद आज बाजार अपने इस गिरावट वाले क्रम को थोड़ा सा रोक देगा और थोड़ी सी मजबूती हमको बनती हुई दिखेगी। खैर, ये एसजीएक्स निफ्टी के साथ एक चीज आपको बधाई देनी थी, वो था झंडा दिवस की। आज देश झंडा दिवस मना रहा है, सशस्त्र सेना का झंडा दिवस है और आपके सामने हम इस पैच के साथ, हम भी इसी जोश के साथ आपके साथ खड़े हैं। उम्मीद करते हैं आज का दिन सबके लिए यादगार होगा। अब खैर, आगे बढ़ते हुए ये देख लेते हैं जरा ग्लोबल मार्केट के संकेत क्या है, यूएस से हमको क्या संकेत देखने को मिले। अभी तक जो एशियन मार्केट में कामकाज है और जो यूएस मार्केट से संकेत है वो बाजार को ज्यादा निराश तो नहीं कर रहे। ये है निकाई, ये करीब 1.25% ऊपर है। डॉलर एन इक्वेशन का फायदा सीधा सीधा इनकी इकोनॉमी को मिलता है, एक्सपोर्ट करने वाली इकोनॉमी है, जितनी करेंसी कमजोर होगी उतना इनको बेनिफिट होता है। इसके अलावा स्ट्रेट टाइम शंघाई, ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव ही है। अब यूएस मार्केट के संकेत अगर आप देखें तो यूएस में भी कल की जो क्लोजिंग है वो ठीक ठाक ही रही है, कुछ ज्यादा नुकसान वाली तो नहीं रही। जैसे कि नैसडैक करीब 4.5% ऊपर जाके बंद हुआ है, S&P 500 ऑलमोस्ट फ्लैट, डाउ जोंस ऑलमोस्ट फ्लैट, ये बिल्कुल फ्लैट बंद हुए। अब आप जरा कुछ एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर देखिए जो यूएस मार्केट से हमको समझ में आए। पहली बात, अमेरिका में जो टैक्स रिफॉर्म हुआ है, आपको मालूम ही है कि उनके कॉर्पोरेट टैक्स को 35 से घटाकर 20 कर दिया गया है, उसको लेकर दोनों सदनों के बीच में बातचीत चल रही है। तो वो बातचीत अब आगे बढ़ रही है, उसको लेकर कुछ स्पष्टीकरण और आ सकता है, इसी हफ्ते आ सकता है। लेकिन माना यह जा रहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। तो ये एक बात थी जो कि यूएस मार्केट से समझ में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टैक्स ढांचे में बदलाव को लेकर कॉन्फ्रेंस कमेटी कोई फैसला ले सकता है, तो इसी हफ्ते लेगा। यूएस में एक और डाटा भी आया, वो था नौकरियों का डाटा, और जो उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा नौकरियां मिली हैं। यूएस में करीब 1.1 लाख नौकरियां से हम कहें कि वो जनरेट हुई हैं, जो कि बाजार उम्मीद कर रहा था उससे कहीं ज्यादा है। ये भी एक बड़ी वजह है कि यूएस मार्केट्स को जो गिरा के नहीं गई है। हाँ, एक और चीज ध्यान रखें, जब यूरोपियन मार्केट्स के हम कल देख रहे थे कि थोड़ी क्लोजिंग हमको बड़ी इंटरेस्टिंग दिखी है, क्योंकि जब खुले थे तो 1% से ज्यादा का नुकसान था, लेकिन जर्मनी फ्रांस के बाजार थोड़े फिसले। लंदन का जो मार्केट है, फुटसी इसको हम कहते हैं, उसमें हालांकि 4.5% की हमको तेजी बनती हुई दिखी है। तो कुछ टैक्स की खबरें यूएस से रही हैं, कुछ यूरोपियन मार्केट्स की कमजोरी के साथ और लंदन का जो बाजार है थोड़ा पुल बैक के साथ, ग्लोबल मार्केट में एक रेंज देखने को मिल रही है। यही आज हमको एशियन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। कुल मिला के ज्यादा बड़े संकेत हमको ग्लोबल मार्केट से नहीं देखने को मिले। अब एक और अहम बात है जो कि ग्लोबल मार्केट से जुड़ी हुई है, ये भी आज के ट्रेड, आज के बाजार से बड़ी इत्तेफाक रखती है, वह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलम को इंतजार की इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दे दी है। ट्रंप ने 2016 में अपने चुनाव अभियान के दौरान इसका वादा किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका यरूशलम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस कदम का लंबे समय से इंतजार था और इसके मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया तेज होगी और टिकाऊ समझौते की तरफ हम सब आगे बढ़ जाएंगे। अमेरिका इसे एक ऐतिहासिक वास्तविकता को पहचान देने के तौर पर भी देखता है। तो ये ग्लोबल आंकड़ा था, ये हम आपके सामने जो बात रख रहे हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले दिनों में गुजरात चुनाव के साथ साथ अगर कोई दूसरा बड़ा ट्रिगर सबसे इंपॉर्टेंट है वो ग्लोबल मार्केट ही है। इसलिए ग्लोबल मार्केट की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य बन जाता है, हम पूरा भी कर रहे हैं। अब जरा ये देख लेते हैं FISDIs ने कल कैसे कामकाज किया। 1217 करोड़ रुपए की बॉस बिकवाली कल से हुई है फिर से। ये दूसरा ऐसा सेशन है जब FIs की तरफ से बिकवाली हुई है। रही बात DIs की, तो उनकी तरफ से भी खरीदारी का क्वांटम कम नहीं है, करीब 995 करोड़ रुपए की खरीदारी यहां पे होती हुई दिखी है। तो मार्केट में इस तरह की बड़ी बिकवाली और खरीदारी के आंकड़े ये कहीं ना कहीं वॉलिडिटी को बढ़ा देंगे। डायरेक्शन अप्रोच देने में थोड़ा मुश्किल है लेकिन वॉलिडिटी को बढ़ाएंगे। आज बाजार कैसे रहेगा, आज बाजार सपाट खुल सकता है, खुलने के बाद सीमित दायरा रह सकता है। तो दो हिस्से हैं, सपाट खुलना, सीमित दायरा रहना। तो दायरा क्या, ये 10,000 बाजार बचाना चाहता है, ये कल भी मार्केट ने नहीं तोड़ा। कहां तक पहुंच जाएगा, पहले 120 तक पहुंचेगा, उसके बाद हम 200 की बात बोलेंगे। अब 200 की बात ही नहीं है, अब तो पहले 120 को वापस रीगेन करना है, जिस तरह को कल हमने एक पूरी तरह से हमने टेस्ट करके तोड़ा, उसके नीचे की क्लोजिंग दी है। अब निफ्टी बैंक 25,000 दोबारा आज आ सकता है, कल बैंक निफ्टी में तेज गिरावट थी, दोबारा आ गया, क्लोजिंग हमको चाहिए 25,000 की। 10,200 की कॉल, 10,000 की पुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉल पुट के लिहाज से। तो इसमें अगर आप कोई ट्रेड देखना चाहते हैं तो एक कामकाज के लिहाज से ज्यादा बेहतर है, बाजार कमजोर हो उस पुट का फायदा लीजिए, बाजार में पुल बैक मिल जाए इस कॉल का फायदा लीजिए। 25,000 बैंक निफ्टी वापस पा लेगा, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ और ट्रिगर भी हमने मार्केट आउटलुक के अंदर रखे हैं, जरा वो भी आप देखिए।
एफएमसीजी छोटी इंफ्रा कंपनी आज मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इनमें तेजी रह सकती है। कल भी छोटी छोटी इंफ्रा कंपनी चल रही थी, एफएमसीजी के अंदर क्लोजिंग में अच्छी बाइंग आई थी। जैन इरिगेशन आज वायदा में बैन है, आज वादा का पहला शेयर इस दिसंबर सीरीज का जो बना वो जैन इरिगेशन है, इसमें आज वादा बैन है, इसमें आज कामकाज नहीं होगा। एक और बात आपके सामने रखते हैं इसी मार्केट आउटलुक के जरिए, 9 दिसंबर के चुनाव तक शायद बाजार सीमित दायरे में रहे। ये पहले चरण का चुनाव है गुजरात के अंदर, ये पहले चरण के चुनाव तक यानी कि आज 7 तारीख, 8 तारीख और परसों 9 तारीख, 3 दिन तक मार्केट रेंज में रह सकता है। ग्लोबल मार्केट में जो भी उठा पटक हो रही है उससे सतर्क रहें, उसमें कुछ भी बड़ी उठापटक होगी तो बाजार पे मेजर रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ये मार्केट का आउटलुक था जो हमने आपके साथ साझा किया है। अब आज के मेहमान जगदीश शक्कर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी शुक्रिया, आपका सोच क्या है आज मार्केट में? सर पुल बैक देखें, ठहर जाएं, आज का दिन छोड़ दें बाजार को, देखते हैं क्या होता है। नमस्कार दिनदीप जी, नमस्ते। जैसे आपने अभी अभी जिस तरह से एनालिसिस किया, मैं आमतौर पर आपसे सहमत हूँ। मेरा भी एक कॉल ऐसा ही है कि आज थोड़ी सी पुल बैक रैली आएगी। उसका एक मेन जो वजह है वो गुजरात इलेक्शन के बारे में जो आपने जिक्र किया कि जो ओपिनियन पोल पहले थे और ओपिनियन पोल जो अभी रिसेंटली आए हैं उसमें बीजेपी को थोड़ी ज्यादा सीटें मिलने की एक उम्मीद जताई जाती है, तो मार्केट थोड़ा उसको डेफिनेटली पॉजिटिव लेगा जो पहले उन्होंने नेगेटिव लिया था। तो आज मेरा बाय कॉल होगा निफ्टी के अंदर, जैसे अभी आपने जिक्र किया विथ अ टारगेट ऑफ 10,100 और स्टॉप लॉस ऑफ 10,000। ठीक है, जगदीश जी भी यही बात कह रहे हैं कि 10,100-10,120 तक मार्केट आज आ सकता है, 10,000 को बचाना है, ऐसा ही कुछ बाजार की ट्रैजेक्टरी लग रही है। जगदीश जी आपके शेयर्स कौन से हैं? दो शेयर हैं, दोनों खरीदारी के ही शेयर हैं। एक तो है जैसे अभी आपने अभी एफएमसीजी का जिक्र किया, तो सबसे पहला मेरा शेयर उसी से है, हिंदुस्तान यूनिलीवर एचयूएल जिसे हम कहते हैं, विथ अ टारगेट ऑफ 1,300 और स्टॉप लॉस ऑफ 1,250। और दूसरा जो शेयर है मैं समझता हूँ काफी डिफेंसिव वो शेयर हो चुका है, जो आपकी सहयोगी कंपनी है जी एंटरटेनमेंट, विथ अ टारगेट ऑफ 580 और स्टॉप लॉस ऑफ 560। ये पोजिशनल कॉल के हिसाब से भी आप उसको रख सकते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया सर सुबह सुबह समय देने के लिए। निफ्टी पे आपका आउटलुक पॉजिटिव है, आज वापस 10,100 को रीगेन करने की कोशिश होगी। असल में आज ना डैमेज कंट्रोल आपको ज्यादा दिखेगा, डैमेज रिपेयर आपको ज्यादा दिखेगा, बजाय हो सकता है ज्यादा डैमेज ना हो लेकिन थोड़ा रिपेयरिंग वाला सेशन आज ज्यादा दिखेगा, कन्विक्शन उतना स्ट्रांग नहीं आएगा। हाँ लेकिन कल जहां पे हमने थोड़ा सा ज्यादा रिएक्शन देख लिया क्रेडिट पॉलिसी के बाद का, वो थोड़ा सा रिएक्शन ठीक रहेगा। दोनों शेयर एक बार नोट करें, एचयूएल इनकी कॉल है प्लस करना है और जी एंटरटेनमेंट उनकी कॉल है प्लस करना है। 580 का टारगेट जी एंटरटेनमेंट में है, एचयूएल भी कल अच्छा चला था, 1,300 रुपए का टारगेट यहां पर भी है। कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स भी जल्दी से अब नोट कीजिए। चॉइस ब्रोकिंग कह रहा है कि यहां पे केपीआईटी खरीदे, 168 का टारगेट है, कल छोटी छोटी आईटी कंपनी चल रही थी, आज हो सकता है केपीआईटी लीडरशिप वापस ले ले, कल भी 4.5% ऊपर था, 158 का टारगेट है। इसके अलावा चॉइस की दूसरी कॉल भी आपके सामने हुआ है, वेल्सपन कॉप 140 का, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, 127 रुपए का एक स्टॉप लॉस है, इस पर आप ध्यान रखें और ये भी एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है इस तरह के मोमेंटम में जहां पे एक पुल बैक की पूरी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। सिविल लाइफ साइंसेज 205 का टारगेट, 192 का स्टॉप लॉस, ये सारे कल के ट्रेंडिंग शेयर्स हैं, आप सबका देख रहे होंगे नीचे परसेंटेज गेन, ये 2-2, 3-3, 4-4% बढ़कर बंद हुए हैं, तो ये अगर गिरते हुए बाजार में इस तरह का मूव दिखा सकते हैं तो आज अगर बाजार ठहर जाए तो इन शेयर्स का चलना स्वाभाविक है। इन्वेस्टर पॉइंट गोदरेज कंज्यूमर्स, इस पे भी आप ध्यान रखें, 1030 का टारगेट है। आज हमने आउटलुक में भी आपके सामने बात रखी थी कि छोटी इंफ्रा कंपनीज और एफएमसीजी की कंपनियां ये शायद हो सकता है थोड़ा मोमेंटम गेन कर जाएं, दो अब तक एफएमसीजी कंपनी हमको मिल चुकी है, स्टॉप लॉस इसका 990 का होगा, ये इन्वेस्टर पॉइंट की कॉल है। एक और ट्रेड भी नोट कीजिए, वह है बायोकॉन, ये अपने आप में एक अच्छा डिफेंसिव प्ले भी बन जाता है और एग्रेसिव प्ले भी है, फार्मा इसका नेचर और शेयर के अंदर लगातार बेहतर खबरें आना, शेयर को चला सकता है 534-511, इसमें आपको स्टॉप लॉस थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। जीएनएफसी, कल फर्टिलाइजर के शेयर चल रहे थे, सरकार खबर ये दे रही है कि आने वाले कई राज्यों में डीबीटी को जल्द ही लागू कर देगी और पूरे देश में भी डीबीटी को लागू करने की सरकार की पुख्ता योजना है, जीएनएफसी उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, 465 का टारगेट रखें, 447 का स्टॉप लॉस है। वैसे भी गुजरात की कंपनी है, गुजरात वर्ड से ही थोड़ा बहुत मोमेंटम आजकल इन शेयरों में आ जाता है। तो इस सारे के सारे शेयर्स कंप्लीट हुए, आप उम्मीद करते हैं अपने नोट भी कर लिए होंगे, अब कुछ खबर वाले शेयर्स भी देख लीजिए, उनमें क्या न्यूज है, कैसे ट्रेड करना है। मेरे साथ सुमित जुड़ चुके हैं, सुमित एक तो खबर बताएं, खबर के साथ साथ ये भी बताएं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ताकि हमको ट्रेड लेने में थोड़ी आसानी हो जाए।
शुक्रिया डिम्पी। देखिए पहले तो दो आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं जिनके जो एक आज आखिरी दिन पे है और एक का दूसरा दिन है। शैल्पी लिमिटेड का आज आखिरी दिन है, अब तक 46% आईपीओ भर चुका है, यानी करीब करीब 50% आईपीओ भर चुका है। प्राइस बैंड 245 से 248 रुपए है और 505 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इस आईपीओ में ज्यादातर सभी ब्रोकर से सब्सक्राइब की ही राय आई है, लेकिन अब तक सब्सक्रिप्शन फिगर बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं आए हैं। ऑन द कॉन्ट्री जो फ्यूचर सप्लाई चेन है उसका आज दूसरा दिन है और 32% पहले दिन ही सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कल के दिन तक ही। यहां पर भी ज्यादातर ब्रोकर्स की खरीदारी की ही राय है, सब्सक्राइब की ही राय है। 8 दिसंबर इसका लास्ट डे है और 660 से 664 रुपए यहां पर इसका प्राइस बैंड तय किया गया है। तो एक हॉस्पिटल स्पेस की कंपनी और एक लॉजिस्टिक स्पेस की कंपनी है, तो आप नजर रखें दोनों के ऊपर भी। अब खबरों की बात करें तो उसमें आईआरबी इंफ्रा पहले खबर है। सीबीआई ने पिंपोली जमीन मामले में कंपनी के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की है। दरअसल ये एक जमीन कंपनी ने आर्यन इंफ्रा से खरीदी थी और ये जमीन सरकारी जमीन होने का यहां पर कुछ बातचीत कही जा रही है, तो उस वजह से कंपनी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज की गई है। आईआरबी इंफ्रा में दबाव देखने को मिल सकता है। हैटसन एग्रो जहां पर बोर्ड ने राइट इशू को मंजूरी दे दी है, करीब करीब 900 करोड़ रुपए राइट इशू के जरिए जुटाने की योजना है कंपनी की, तो वो अच्छी खबर है, तेजी की उम्मीद आप लगा सकते हैं। डीएलएफ के लिए भी एक अच्छी खबर है कि गुड़गांव में फ्लैट की बिक्री कुछ सेलेक्टिव प्रोजेक्ट्स पे कंपनी दोबारा शुरू की है और नवंबर में ही महज 300 करोड़ रुपए के आसपास के फ्लैट्स बेचे गए हैं। तो एक स्ट्रांग सेल कंपनी ने दोबारा रिवाइव करनी शुरू कर दी है गुड़गांव मार्केट्स के अंदर, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा ट्रिगर है। डीएलएफ पे आप तेजी की उम्मीद लगा सकते हैं। क्लेरिस लाइफ साइंसेज में आज एक अच्छी तेजी की उम्मीद लगा सकते हैं, बोर्ड ने डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी है और ये बात साफ की कि डीलिस्टिंग जो है वो सभी शेयरधारकों के पक्ष में है। रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू ये डीलिस्टिंग की जाएगी, क्रूशियल है, आज आप तेजी की उम्मीद लगा सकते हैं यहां पर भी। और एक प्राइम फोकस कंपनी की आज बोर्ड बैठक है, उस बोर्ड बैठक के अंदर भी वारंट के जरिए रकम जुटाने को लेकर फैसला हो सकता है। कन्वर्टेबल वारंट है, शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो एक अच्छी खबर है तेजी के लिए। आप प्राइम फोकस को भी आज देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एक शेयर्स हैं जिस पे आज पॉजिटिव और नेगेटिव कहां कहां पे कैसे कैसे ट्रेड होंगे ये आपके सामने हमने रखे हैं। सुबह शुक्रिया। आप कुछ एक खबर अहम है इन्फोसिस की, जरा वो भी जानिए। इन्फोसिस ने पूर्व सीएफओ राजीव बंसल के सर्वेलेंस पैकेज पर सेबी के पास कंसेंट की अर्जी दे दी है। दरअसल इन्फोसिस ने राजीव बंसल के सर्वेलेंस पैकेज देने के बाद नॉमिनेशन और रेमुनरेशन कमेटी से मंजूरी नहीं ली थी। कंपनी की ऑडिट कमेटी से भी इस पर पूर्व मंजूरी नहीं ली गई है। राजीव बंसल ने सेवरेंस पैकेज को लेकर कंपनी में काफी विवाद हुआ था। इसी विसल ब्लोअर का आरोप था कि पनाया डील में मुंह बंद रखने के लिए कंपनी ने बंसल को भारी रकम सेवरेंस पैकेज के तौर पर ऑफर किया है। आरोप था कि पनाया नाम की कंपनी को जानबूझकर बहुत ऊंचे भाव पर खरीदा गया। ऊंचे सेवरेंस पैकेज का नारायण मूर्ति सहित कंपनी के कई को फाउंडर्स ने गलत इसको बताया था। वहीं टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक कार टिगोर ईवी को पहली खेप जारी कर दी है। गुजरात के सारंग प्लांट से इलेक्ट्रिक कारों की पहली खेप ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और चेयरमैन एमिरेट्स रतन टाटा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। टाटा मोटर्स को एसएल से करीब 10,000 इलेक्ट्रिक कार सप्लाई करने के लिए ऑर्डर्स मिला है। पहले चरण में टाटा मोटर्स को 250 टिगोर ईवी डिलीवरी करनी है। इस मौके पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि यह टाटा मोटर्स के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अब विरेश अमृतसर जुड़ चुके हैं, कारवी कॉम्ट्रेड से है, कमोडिटीज को देखते हैं। विरेश शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। कैसे करना है आज कमोडिटी में बॉस ट्रेड, खासकर कच्चे तेल में बताइएगा। देखिए कल एक इन्वेंट्री डेटा आया था, उसके बाद मार्केट में एक तेज गिरावट आया देखने को मिला है। जैसे हमने नवंबर मंथ में देखा था मार्केट 2058 डॉलर के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था। जब नवंबर 30th को ओपेक बैठक हुआ उसमें 2018 एंड तक प्रोडक्शन कट की एक्सटेंशन के बाद मार्केट वहां से एक डाउन ट्रेंड में है। ओवरऑल ट्रेंड मेरे को लग रहा है आज भी कंटिन्यू रह सकता है। जो भी एक रिकवरी आ सकता है मार्केट में वहां पे एक रिकवरी कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा 3660 लेवल में एक बार सेल पोजीशन ले सकता है 3700 का स्टॉप लॉस के साथ, और आज के लिए टारगेट रहेगा 3580 लेवल। ठीक है, सोने में कैसे काम काज करें आज? देखिए सोने में भी एक तेज बिकवाली आ रही है मार्केट में, और कल एक नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा भी आने वाला है, और इस महीने में यूएस फेड का बैठक भी होने वाला है, वहां पर जरा के बारे में एक जो डिसीजन होने का मतलब इंक्रीज होने का संभावना है, इसके चलते हुए मार्केट में एक दबाव में है। इसलिए
आज मेरा रेकमेंड करूंगा बेचने के लिए अराउंड 29,000 लेवल्स में, 29,100 का स्टॉप लॉस है सर, और आज के लिए टारगेट रहेगा 28,850 लेवल्स। ठीक है वीरेश, शुक्रिया दोनों ट्रेड हमको आज बताने के लिए। तो कमोडिटीज मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, ये अपॉर्चुनिटीज भी आपके सामने है। अब जी बिजनेस की एक मुहिम जो हमने अस्पतालों के खिलाफ चलाई है, अस्पतालों की अंधाधुंध लूट और मुनाफाखोरी के खिलाफ जी बिजनेस की मुहिम रंग लेके आ रही है। दिल्ली का मैक्स अस्पताल हो या फिर गुरुग्राम का फोर्टिस अस्पताल, दोनों के खिलाफ शिकंजा कस गया है। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा है कि फोर्टिस अस्पताल में बच्ची की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई थी। लापरवाही के आरोप फोर्टिस अस्पताल पर जल्द ही FIR दर्ज हो सकती है। आद्या के पिता ने भी कहा है कि वो फोर्टिस के खिलाफ FIR करवाएंगे। वहीं मैक्स अस्पताल को भी लापरवाही का दोषी माना गया है। मैक्स अस्पताल में जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे जिसमें एक की मौत हो गई थी, दूसरा बच्चा जो कि जिंदा था उसे भी अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि अब दूसरे बच्चे की भी मौत हो चुकी है। जी बिजनेस लगातार ऐसे किलर अस्पतालों के खिलाफ अपनी मुहिम चला रहा है और हम ये मुहिम तब तक जारी रखेंगे जब तक पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल जाता। वहीं दिल्ली सरकार के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन का भी कहना है कि मैक्स हॉस्पिटल वाले मामले में फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है। कानून के तहत जो भी कार्रवाई होगी वह जरूर करेंगे। मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग के अंदर जो एक बच्चे की मौत का इशू था उसकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट कल आई है हमारे पास और सरकार उसको एग्जामिन कर रही है और फाइनल रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाएगी हमारे पास। जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके खिलाफ एक्शन जो भी होगा एज पर द लॉ लिया जाएगा। न केवल दिल्ली सरकार के हेल्थ मिनिस्टर बात बोल रहे हैं बल्कि हरियाणा सरकार के मंत्री भी अनिल विज वो भी कह रहे हैं कि फोर्टिस अस्पताल में बच्ची की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है। लापरवाही का आरोप फोर्टिस अस्पताल पर बनता है, FIR दर्ज होगी। इसमें बहुत इरेगुलरिटीज हैं, अनएथिकल है और जो प्रोटोकॉल है डायग्नोसिस के और मेडिकल ड्यूटीज के वो अडॉप्ट नहीं किए गए। जो बच्ची की डेथ हुई है वो हुई है बाय नॉट अडॉप्टिंग द लामा प्रोटोकॉल, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। बच्ची जो थी वेंटिलेटर पर थी लेकिन एम्बुलेंस जो थी एक ऑर्डिनरी एम्बुलेंस में उसको डाल दिया गया, वेंटिलेटर विड्रॉ कर लिया गया और एम्बू बैग भी उसमें प्रोवाइड नहीं कराया गया जो उस बच्ची की डेथ का काज बना है, विच इज ए वेरी सीरियस इरेगुलरिटी। तो दोनों ही मंत्री ये बात कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, प्रॉब्लम है, मुश्किल है और दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी देखिए आप ताकि आपका ट्रेड थोड़ा और बेहतर हो जाए। सिटी UFO मूवीज के बारे में कह रहा है कि यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। उन्होंने इसका लक्ष्य भी बढ़ा दिया, अब 610 कर दिया लक्ष्य जो पहले था करीब 530। उन्होंने कहा कि सिनेमा कारोबार पॉजिटिव चल रहा है, इसका फायदा इनको मिलेगा, नोटबंदी GST का असर खत्म हो चुका है तो सिटी खरीदारी की राय दे रहा है UFO मूवीज पे 610 के टारगेट के लिए। अब क्रेडिट स्विस वो कह रहे हैं कि आइडिया आउट परफॉर्म रेटिंग इसकी रखी गई है, 70 रुपए का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने कहा कि अबिटा में कमी से थोड़ा नुकसान तो देखने को मिला है। वोडाफोन के साथ मर्जर की तारीख अभी साफ नहीं है तो शायद अभी पता नहीं होगा आगे चल के कैसे ट्रेड करेगा, फिलहाल इसलिए 70 रुपए की रेटिंग, 70 रुपए के शेयर का लक्ष्य रखा गया और रेटिंग आउट परफॉर्मेंस ही रखी गई है। किसी तरह का कोई खास बड़ा बदलाव नहीं है लेकिन जो दो पॉइंट है वोडाफोन की डील का क्लैरिटी होना और अबिटा से थोड़ा नुकसान होना, ये उनकी रिपोर्ट में मुख्य दो बातें थी जो हमने आपके सामने रखी। तो ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट से आज आपका ट्रेड और बेहतर बन जाना चाहिए ये उम्मीद तो है। लेकिन आज देश सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मना रहा है, 1 दिसंबर से आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग वीक मनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने देशवासियों से सैनिकों के सम्मान में आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग बैच पहनने और आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे वेलफेयर फंड में योगदान देने करने की अपील की है। ये फ्लैग बैच आप ऑनलाइन KSB.gov.in से भी ले सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग बैच से मिलने वाली रकम आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे वेलफेयर फंड में जाती है और यह रकम युद्ध में शहीदों की विधवा, दिव्यांग और सैनिक और उनके परिवार और बच्चों को दी जाती है। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस आज है और हम भी इसी झंडे को अपने गर्व के साथ अपने इस बैचेस के तौर पर आपके सामने रखे हैं। आज सभी एंकर्स इसी झंडे को आज सलाम करते हैं और 7 तारीख को सशस्त्र सेना का जो झंडा दिवस है उसको पूरे हर्षोल्लास के साथ मना भी रहे हैं। ये पूरा जी परिवार इसी सशस्त्र सेना झंडे दिवस के साथ आज
खुशी के साथ मना रहा है।